కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट वन डे के अंदर 1,007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेज आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेज आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और आईएलआई के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेज रिकवर्ड हुए हैं वर्सेज जो केसेज जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी कोविड-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन्स, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निमटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है और फील्ड पर लड़ाई लड़ते हुए एक हमारा फ्रंटियर है साइंस एंड टेक, जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा। उसी के तहत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर कंटिन्यूड इस विषय में एफर्ट्स चल रहे हैं, जिसके तहत ही इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अपनी 30 लैब्स का योगदान दिया है। हमारे एफर्ट्स प्राइमरली फोकस्ड हैं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक किट्स बनाने में जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकें, साथ ही इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में ताकि हम लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी अगर उसको और एक्सपैंड करना चाहें, लार्जर नंबर ऑफ पीपल कवर करना चाहें, उसके लिए काम कर सकें। इसके साथ ही इंडिजिनस सिंथेसिस जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कैसे बढ़ाएं उस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। साथ ही वायरल सीक्वेंसिंग जिसके द्वारा हम एपिडेमियोलॉजी और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में
inactivated virus, antibodies to major antigens, monoclonals और RNA-based vaccines पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाएं और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है, लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस्ड हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। इसी के तहत रिकॉम्बिनेंट BCG और माइकोबैक्टीरियम इंडिका स्ट्रेन जैसे इम्यून बूस्टिंग वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी कुछ साइट्स पर काम चल रहा है। DBT ने इसके साथ ही लार्ज स्केल एफर्ट्स लिए हैं कि कैसे ह्यूमन मोनोक्लोबल एंटीबॉडीज फॉर COVID-19 पर काम करें। इसके साथ ही एक और विषय बहुत मुख्य है, वह है कि हम इफेक्टिव ड्रग्स पर भी कुछ काम करें। हमारे सामने वर्तमान में कई पोटेंशियल ड्रग्स हैं जिसमें से कोई भी अभी फुली प्रूवन नहीं है, और उनमें से कोई भी अगर इंडिया में नहीं बनती है तो उस पर भी हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसी समय में जब ये अनसर्टेनिटी है तो हमारा एफर्ट है कि इंडिया इस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स मल्टी प्रोसेस में काम करे। एक मल्टी प्रॉन्ग रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं जिसमें कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉलिडिटी ट्रायल में एक पार्टिसिपेंट है जिसके माध्यम से हम डिफरेंट ड्रग थेरेपीज की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर रहे हैं। साइंटिफिक टास्क फोर्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स को रीएवेल्युएट कर रही हैं ताकि उनको ज़रूरत पड़े तो COVID-19 के लिए रीपर्पस किया जा सके। एंटीवायरल ड्रग्स ने जो कुछ स्टडीज़ में अब्रॉड में हमें इनिशियल प्रॉमिस दिखाया है, CSIR की लैब के द्वारा इन ड्रग्स पर भी काम चल रहा है जिसमें कि मुख्यतः उमिफेनोफिर और फेविपीरवीर ड्रग जो हैं उनके इंडिजिनस सिंथेसिस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक मेजर एफर्ट है कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे अप्रूवल सिस्टम्स हैं बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी त्वर गति से करें ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारी रिसर्च हो उसको पब्लिक तक ले जा सकें। इसके साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और ऐसी एंसिलेटरी सपोर्ट डिवाइसेस पर भी CSIR की इंजीनियरिंग लैब्स, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिजिनस डिजाइंस बनाए जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को आंध्रा मेडटेक जोन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हों, थेरेप्यूटिक्स हों या वैक्सीन्स हों, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने स्टेट्स को कुछ फोरकास्टिंग टूल्स भी शेयर किए हैं जिसके द्वारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, उसकी वह एनालिसिस करके पा सकते हैं कि वह सफिशिएंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड केस लोड। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 ICU बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि हर तरीके से एफर्ट चल रहा है कि अगर केसेज आएँ देश हर तरीके से उससे निमटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एफर्ट चल रहे हैं। इन जब चारों तरफ देश में एफर्ट चल रहे हैं तो उस समय में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई पॉजिटिव एफर्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे कि आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे अहमदाबाद में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है।